प्राइम टाइम में हमारे साथ राणा अयूब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संजय सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ओम थानवी संपादक जनसत्ता, और अभय कुमार दुबे संपादक CSDS। आप दोनों आप वॉचर भी रहे हैं, मतलब आप पर निगरानी रखने वाले, पर्यवेक्षक नहीं। और अशोक अग्रवाल साहब हैं, पूर्व सदस्य हैं आपके। अक्सर जब आप में विरोध होता है तो शाजिया इल्मी, बिन्नी और ही लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन अशोक अग्रवाल पता नहीं किन्हीं कारणों से भुला दिए गए, तो आज उदित हो गए हैं। पर संजय भाई, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ये मामला अभी भी वैसा ही है जैसे आज सुबह तक, सोमवार पूरे दिन भर और मंगलवार की सुबह तक बयान आते रहे आपकी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, या कुछ सुलह के तरफ आप लोग बढ़े हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने तो जो बयान दिया वो इसी बात को लेकर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है इससे गलत संदेश जाता है, कार्यकर्ताओं में खासतौर से गलत संदेश जाता है जिन्होंने अपना सब कुछ इस पार्टी के लिए न्यौछावर किया है, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करके देश के लिए काम कर रहे हैं, उनमें गलत संदेश जाता है कि हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर रहे हैं। कभी कोई चिट्ठी लीक होती है, कभी कोई चिट्ठी लीक होती है, और एक ऐसी चर्चा पार्टी के बारे में बनती है जिससे पार्टी के लिए फजीहत पैदा होती है। तो मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर थी, और सुलह समझौता जो कुछ भी होगा कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों के तेवर क्या बदले हैं क्या? योगेंद्र और प्रशांत के इंटरव्यू को कई लोगों ने कहा कि वो अपने पीछे हट रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोई अरविंद को हटाना चाहता है तो योगेंद्र ने कहा कि मैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार। ये हो सकता है कि उनके वही एकदम शब्दशः ना हो, लेकिन मैं जिस्ट बता रहा हूं, या अरविंद ही हमारे नेता है, हमारी पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता है। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कहा कि एक तो लोकसभा चुनाव के बाद योगेंद्र भाई ने एक 7 पेज की चिट्ठी लिखी थी, उसमें बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए थे और वो चिट्ठी मीडिया में लीक हुई थी, जिसके जवाब में मनीष सिसोदिया जी ने 4 पेज की चिट्ठी लिखी, वो भी लीक हुई मीडिया में, उसपे भी तमाम फजीहत हुई पार्टी के। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सबने संकल्प लिया कि मिल के चलेंगे, भरोसे के साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, लेकिन फिर वो काम नहीं हो पाया। चुनाव के दौरान ही आपने देखा होगा तमाम नकारात्मक बयान, वो जो बात लीक की तरफ से भी आए, उसमें क्या था, मैंने ऐसा क्या था, मतलब उसमें ऐसा क्या था कि लीक नहीं होना चाहिए, और वैसी बातें आप खुद ही नहीं कह रहे थे पब्लिक में। आप जब पब्लिक मीटिंग में स्वराज की बात करें, आंतरिक लोकतंत्र की बात करें, वही सारी तो बातें थी, उसमें कोई व्यक्तिगत आरोप तो नहीं। बहुत अच्छी बात है ना, थे नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्वराज कौन तय करेगा, स्वराज भी है, लेकिन उस चिट्ठी में ऐसी क्या बात थी सैद्धांतिक बातों के अलावा? मैं नहीं जानता कि व्यक्तिगत तौर पे उन चिट्ठियों के अलावा आप लोगों के बीच में क्या बातें हो रही थी, वो मैं ये मानता हूँ, अपने दर्शकों को कहता हूँ ये ध्यान में रखें कि वो एक अलग हकीकत हो सकती है। बार बार ये कहना कि ये व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन जा रही है, वन मैन पार्टी बन जा रही है, ये कौन तय करेगा रवीश भाई? तो क्या एक व्यक्ति या दो चार व्यक्ति हम में से कोई तय करेगा कि नहीं ये व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो जाए? आप तो तय कर रहे हैं ना, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी भावनाओं का हम ख्याल रखेंगे। नहीं, अगर पार्टी के कार्यकर्ता क्या ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, क्या तो ये कैसे पता चलेगा आपके कह देने से, या कार्यकर्ताओं की कोई पोलिंग होगी, कैसे पता चलेगा? अगर ये बात अगर आप कह रहे हैं तो कोई और भी कह सकता है। संजय भाई, पूरी करने जा रहा था जिसमें आपने रोक दिया, मैं वही बात पूरी करने जा रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 तारीख को हुई, ठीक है, और उस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम करते रहेंगे। उसमें तरह तरह के विचार आए, कुछ लोगों ने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है इसलिए वो आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के विचार आए, ठीक है। उससे पहले एडमिरल साहब की चिट्ठी मेल गई थी सबको, तो योगेंद्र भाई और प्रशांत जी दोनों लोगों ने कहा इस पर भी चर्चा हो, लेकिन साथियों ने उस पर, क्योंकि मेल सबको मिल चुका था तो ज्यादातर लोगों ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया था, प्रशांत जी ने अपनी चिट्ठी की फोटोकॉपी सारे लोगों को दी, वो प्रशांत जी की भी चिट्ठी पढ़ी गई थी। उसके बाद सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम करते रहेंगे। फिर 1 मार्च को शांति भूषण जी का बयान इलाहाबाद से छपता है उत्तर प्रदेश के सारे अखबार। संजय जी, वो बयान तो आज बदल गया, वो तो आज बदल गया, हिमांशु से उन्होंने कहा कि अरविंद के नेतृत्व में ये दोनों स्वीकार करें, है ना, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए और योगेंद्र भाई को संयोजक बनाया जाए, तो इसका मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी यही बात का कोई देखिए नहीं है। संजय जी, अकेले तय करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, ये तो अच्छी बात नहीं। संजय जी,
यही बात योगेंद्र ने तो नहीं कही, प्रशांत की चिट्ठी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा कि अरविंद ग्रेट लीडर हैं, ठीक है, पर रामदास तो खुल के लिख रहे हैं कि को कन्वीनर होना चाहिए आपकी पार्टी में। इनका क्या रोल है रामदास साहब का? उन पर तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, वो तो लेख लिख रहे हैं, वो राय दे रहे हैं कि हाँ ये जो सवाल उठा है योगेंद्र और प्रशांत, वो लोकपाल सही है पार्टी के, और उनकी भी चिट्ठी लीक हो गई। जी ये वो लोकपाल है पार्टी के, वो बहुत ही जिम्मेदार पद पे है, जिम्मेदारी पे है, उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत पर मतलब, वो तो योगेंद्र प्रशांत की बातों का समर्थन करते हैं, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी बातों का, उनकी बातों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे, जितने भी सवाल उठाए थे, उस पर खूब चर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होनी चाहिए, पार्टी के अंदर होनी चाहिए, इससे कतई इनकार नहीं है। प्रशांत जी ने भी जो सवाल उठाया उस पर भी चर्चा हो, लेकिन रोज रोज अगर इस तरह से बाहर जाके मीडिया में पार्टी की फजीहत बनेगी और चिट्ठियां लीक होंगी तो इससे गलत मैसेज जाता है। चिट्ठी तो सबकी लीक हो गई है, रामदास से लेकर दिलीप पांडे की चिट्ठी और इन लोगों की चिट्ठी सबकी लीक हो गई। मैंने सारे चिट्ठियों का नाम लिया, मनीष की भी चिट्ठी का नाम लिया, हाँ सबकी लीक हो गई है। तो आपकी पार्टी में एक लीक पाल बना लीजिए, एक लीक पाल बहुत अच्छा कमेंट किया, ऐसे तमाम कमेंट होंगे रवीश भाई जो कमेंट आप कर रहे हैं, हाँ। ऐसे हम लोग हंसी के पात्र बनेंगे, थोड़ा हंसा हंसा भी कीजिए। गांधी आज ही किसी ने ट्वीट किया था कि अगर ह्यूमर ना हो, गांधी जी का कोट है तो मैं सुसाइड कर लूं, तो राजनीति में थोड़ा थोड़ा संजय भाई हंसा भी कीजिए, हंसना अच्छा है, कोई आप पे हंसे राणा में बात है जी। मैं ये कह रहा हूँ हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं सारे लोग, हाँ। इस चीज को अब रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज लगाना पड़ेगा ना इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल अनुशासन की सारी मर्यादाओं को हम लोग लांघते जाएंगे, हमारी तो तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी निराशा होती है। इस कार्यक्रम में योगेंद्र यादव या प्रशांत यादव का कोई पक्ष नहीं है, लेकिन राणा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो संजय कह रहे हैं, क्या अब आपको लग रहा है कि इस पार्टी में का लोकतंत्र जो है वो कम से कम बाहर तो आया, इस तरह से देखने को मिल गया कि कितने ये लोग अभी भी लोकतांत्रिक हैं कि खुलेआम लड़ सकते हैं ये लोग? जी, और एक बात और सामने आ गई है कि शायद आम आदमी पार्टी से जो लोगों की उम्मीद थी कि ये कांग्रेस और बीजेपी और बाकी अन्य नेशनल पार्टियों से अलग है, जहां कोई हाईकमांड कल्चर नहीं है, लग रहा है कि यहां पर भी वो हाईकमांड कल्चर से ये पार्टी जो है अलग नहीं है किसी तरीके से। मैं पिछले 2 साल से, जब से मैं अरविंद केजरीवाल को ऑब्जर्व कर रही, पर्सनल बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि हर इंसान जो आम आदमी पार्टी से निकला है, भले वो अपॉर्चुनिस्टिक रीजन से निकला हो या किसी और रीजन से निकला हो, हर एक इंसान ने एक ऑटोक्रेसी की बात कही है, एक वन मैन शो की बात कही है। एक इंसान कहता है, दो इंसान कहता है, लेकिन कई लोगों ने कही है। आज की अगर जो घटना आप देखें, उसमें जिसने प्रशांत भूषण जैसे आपने खत के बारे में बताया, या योगेंद्र यादव के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो प्रशांत भूषण ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी में लोगों को आहत होने की जरूरत थी। दूसरी चीज जो बहुत एक खराब प्रेसिडेंट आपने सेट किया है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात की है, वो अगर किसी जर्नलिस्ट को स्टिंग करते हैं, वो अपने ही एक पॉलिटिकल लीडर को मिसट्रस्ट करके उसी की बातों को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक आम आदमी पार्टी में एक बहुत गंदा संदेश भेजा है कि हम पर्सनल सेटल स्कोर करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। संजय जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे इस पार्टी में कि संजय जी नहीं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, वो पूरी हो गई, उनकी बात पूरी हो गई, स्टिंग नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत भूषण जी हो, चाहे योगेंद्र यादव जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, या पार्टी का कोई भी नेता हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हो, उसके मन में अगर कोई भी सवाल है या किसी भी प्रकार का मतभेद है, उसकी चर्चा करने का सबसे अच्छा फोरम क्या है? पार्टी के अंदर है। और अगर बिल्कुल पार्टी आपकी बात को दरकिनार करती है, तब अगर आप इस तरह का तरीका अपनाते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन राणा ने कहा संजय भाई, स्टिंग करने का, पत्रकार का अपने नेता पर अविश्वास करने का, योगेंद्र यादव ने ऐसी कौन से, हाँ, पार्टी, एक तो इन्होंने कहा कि इस चिट्ठी में कोई ऐसी गंभीर बात नहीं, बहुत सारी चीजें, फंडिंग को लेके सवाल है, अरविंद केजरीवाल को लेके सवाल है, पार्टी के तौर तरीकों के ऊपर सवाल है, कैंडिडेट सिलेक्शन के ऊपर सवाल है। अब इस पे टीवी मीडिया में बैठ के मुझे आप अगर टाइम दीजिए तो मैं एक एक चीज का जवाब दे सकता हूं कि कहां कहां कैसे कैसे
प्रोसीजर को फॉलो किया हम लोगों ने, लेकिन अब वो तो चर्चा हो नहीं सकती। एक चिट्ठी चलेगी और उसमें एक तरफा आरोप आरोप चलेगा कि ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। बाकी आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आरोप गलत है, ये जो तरीका अपनाया गया उसमें आप कुछ पूछ रहे थी राणा, फिर बाकी मैं आप। हाँ संजय जी, आपकी आज पार्टी के प्रवक्ताओं ने ट्विटर पे आके पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं प्रशांत भूषण पे और ऐसे कई लीडर्स के बारे में, आपके लीडर जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो भी ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है राजनीति में जहां पॉलिटिशियंस या पत्रकार ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो जर्नलिज्म खत्म हो जाए, और आप भी जानते होंगे और आपकी पार्टी में तो दिग्गज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आशीष खेतान हैं, आपकी पार्टी में आशुतोष हैं जो दिग्गज जर्नलिस्ट रहे हैं, एडिटर रहे हैं, वो खुद जानते हैं कि जर्नलिज्म कितना हम कहते हैं जर्नलिज्म सोर्सेस के बारे में एक बहुत ही पुरानी लाइन है कि जर्नलिज्म सोर्सेस आर सैक्रोसैंक्ट, और आपकी पार्टी से ज्यादा इस चीज को कौन समझेगा। तो आपको क्या जरूरत थी एक लीडर पे स्टिंग करने की, और ये स्टिंग अगस्त में हुआ है, आप अब आज इस बात को निकाल रहे हैं स्टिंग को, तो मतलब इस ये बात इससे पहले क्यों नहीं आई। दूसरी चीज क्या, ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। संजय जी, अब आप बोल लीजिए, फिर बाकी में जरूरत थी आपने इस्तेमाल किया, ठीक है ठीक जी, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जब तक आपको उनकी जरूरत थी आपने इस्तेमाल कर लिया जी। ठीक, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो किसी नेता की स्टिंग नहीं की गई है, दूसरी बात यह कि बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करते हैं लोग, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप पार्टी के खिलाफ कोई बात करते हैं और आप ये मानते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया, तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमने ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने वो हिंदू की रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन वो आर्टिकल है, खबर नहीं है, और उस आर्टिकल में जो योगेंद्र की चिट्ठी तब तक जून वाली बाहर आ चुकी थी, उसी का कोई मतलब निकाल के वो डिक्टेटर वाली बात लिख रहे हैं कि एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है। तो योगेंद्र ने तो कहा ही है कि पर्सनालिटी कल्ट है, वो चिट्ठी में कही है वो। नहीं, उसमें उस आर्टिकल में बहुत सारी बातें थी जो तथ्य से, प्रमाण से और वास्तविकता से दूर दूर तक, जिस तो आप पत्रकार का ही स्टिंग कर लेंगे था उस ने तो कहा स्टिंग, किस बात का स्टिंग है सर, फोन से रिकॉर्ड किया पहले, ये सुबह से और लगातार ये बात कही जा रही स्टिंग। मुझे तो लगता है कि क्या है, फिर आप बता दीजिए क्या है, बता दीजिए क्या है। मैं बता रहा हूँ ना क्या है, मैं बता तो रहा हूँ, उसमें बातचीत की गई, उनसे कहा गया, पहली बातचीत हुई, कोई उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, उनसे कहा गया कि आपने ये जो आर्टिकल छापा है इसमें बहुत सारी चीजें आपने गलत छापी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने किसी से जानकारी लेके ये बातें छापी है। फिर उनसे नाम पूछा गया, फिर जब उनसे नाम जानकारी हुई तो फिर जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम बताया उनसे पूछा गया, उन्होंने फिर इनकार किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई हमने पार्टी विरोधी कोई खबर कहीं नहीं बताई। तो हमें लगा कि इसमें सच कौन बोल रहा है, इसलिए सिर्फ वो बात रिकॉर्ड की गई जिसमें उन्होंने कहा नहीं फला व्यक्ति ने हमको ये सारी खबरें बताई और जिसके आधार पे हमने ये रिपोर्ट छापी, ये आर्टिकल छापा, और उस बात पे आज भी वो जर्नलिस्ट स्टैंड कर रहा है। कोई ऐसी बात नहीं रिकॉर्ड की गई जिससे उसकी गरिमा को, उसके स्वाभिमान को, उसके सम्मान को जरा सा भी ठेस पहुंचता हो। देखिए, उन्होंने खुद मान लिया है कि झगड़े की जड़ कहाँ है। मेरा मानना यह है कि देखिए, ये पार्टी बिल्कुल एक अलग किस्म की पार्टी की तरह स्थापित हुई थी। इस किस्म की मेरे ख्याल में 77 के बाद में इस तरह की राजनीति हमने नहीं देखी। अलग किस्म की पार्टी थी, जब खड़ी हो रही है उस पार्टी में अचानक अगर इस किस्म की सुगबुगाहट पैदा होती है कि आप सवाल को षड्यंत्र समझने लग जाते हैं। सवाल खड़े करना एक बात है और उसको साजिश समझना दूसरी बात है। मेरा मानना यह है कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण और संजय भी और ये तमाम लोग जो हैं आशुतोष, ये सारे एक तरीके से एसेट हैं पार्टी की, और पार्टी का चेहरा जो है वो चाहे केजरीवाल का है, उन्होंने पार्टी खड़ी की है, लेकिन पार्टी अकेले एक दम पे नहीं चलती है। और दूसरा, ये पार्टी हाईकमांड वाली पार्टी नहीं है, ये हर कोई जानता है कि जिस तरीके से मोदी के इर्द गिर्द लोग घेरा बनाते हैं या सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घेराते हैं। तो ये जो केजरीवाल हैं, मुझे पहली बार लगा कि इतने असुरक्षित तो नहीं है, लोग उनको बेवजह उनकी तरफ गिर गए हैं कि इनको हटाने की साजिश हो रही है। मेरा मानना यह है, ये सारा जो प्रसंग है इसलिए अजीब लगता है कि योगेंद्र यादव ने जिस ढंग से बात की चार पत्रकारों के बीच में और एक पत्रकार ने लेख लिखा, ऐसा कई बार होता है कि बात करने वाले लोग बात करते हैं पर कहते हैं देखिए मेरे हवाले से आप इस चीज को ना दें कि मैं कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। बात के मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं, आपने क्यों कही कि अगर ये सोर्स से बातें ना हो तो राजनीति भी खत्म हो जाएगी, जो राणा कह रहे थे कि
जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, तो आपने कहा कि राजनीति भी खत्म। मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों तरफ से चीजों को समझने में मदद मिलती है, ये कोई षड्यंत्र नहीं होता है। पत्रकार राजनेता के पास बैठता है कई बार, मतलब हम लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आदमी आकर के कई बार कहता है कि मोदी जी ने ये जो किया है जम्मू में, ये थोड़ा उस वक्त उनको कहना चाहिए, पर हमारे हवाले से मत कहिएगा। ठीक है, हम समझते हैं, उसको भी अपनी जान प्यारी है, वो पार्टी में रहना चाहता है लेकिन अपनी बात कहता है। लेकिन आप पार्टी तो बिल्कुल खुली पार्टी है, मैं तो मानता हूं कि चिट्ठी कोई लिखता है वो चिट्ठी लोगों को दे देनी चाहिए कि मैंने बात कही है, क्योंकि आप लोग तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली मीटिंग की बात करते हैं। और चिट्ठी पार्टी के हित में है, वो खिलाफ नहीं है। एक बाहर का आदमी आप पे सवाल खड़ा करता है कि आपने ये पैसे कैसे लिए, एक अंदर का आदमी कहता है कि हमको पैसे लेते हुए सजग रहना चाहिए, एक बाहर का आदमी कहता है कि आपने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया है, अब भीतर का आदमी कहता है कि ऐसे लोगों को हमने टिकट क्यों दिया है, हम रामदास के पास में सूची भेज दें, या एक पद एक व्यक्ति की बात है, ये तो रामदास ने खुद उठाई है। तो कोई सहमत हो या न हो, इन चीजों की खोज करें कि क्या आपने कहा था, और उसके बाद में टेप किया जाए मेरे ख्याल में। और वो तो खुद केजरीवाल के स्टाफ के ही सज्जन है जिन्होंने टेप किया है। मैं ये मानता हूं कि ये चीज जो है, संदेश जो जाता है बहुत अजीब जाता है कि आप शक कर रहे हैं, शक कर आप, और इतने वरिष्ठ लोगों पे शक कर रहे हैं जिनकी पहचान, चार लोग तो पार्टी के, पांच लोग हैं जो बिल्कुल ऊंचे पहचान माने जाते हैं। अबे जी, ये एक बड़ा ये मेरे ख्याल में अजीब है, इस तरह के मसले में पता नहीं चलता, जो सार्वजनिक होता है हम उसी को लेकर मट्ठा बनाते रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि कमरे के भीतर कौन है। तो मैं नहीं मान के चलता कि कमरे के भीतर कोई एक खलनायक है या ये नायक है, तो इसलिए दोनों को मतलब दोनों पे शक करना चाहिए या दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे राणा ने कहा कि थानवी जी भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने अगर इसे लोकतांत्रिक तरीके से नहीं निपटाया तो बाकी पार्टियों में क्या गलत अंतर है इसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक पैमाने पर ये फेल कहाँ हुए और क्या कर सकते थे। मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी को इस झगड़े का निपटारा लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, और उसकी पहली शर्त यह है कि मतभेदों को रखते हुए साथ साथ कायम कर काम करने की गुंजाइश बनी रहे। जो कुछ भी जुगाड़ हो, जो कुछ भी तरीका अपनाया जाए, वो तरीका इस तरफ ले जाना चाहिए पूरी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंची है कि वो लोगों को सस्पेंड करे या बहुमत का डंडा चलाया जाए या अनुशासन का डंडा चलाया जाए। आम आदमी पार्टी अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंची है, उससे इस पार्टी को जो लोकतांत्रिक प्रयोग है उसको बहुत नुकसान होगा। इस बारे में सहमत हूं, कुछ मेरी असहमतियां भी हैं। मैं पत्रकार भी रहा हूं, 16 साल तक मैंने राष्ट्रीय पत्रकारिता की है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा हूं, बहुत लंबे अरसे तक होल टाइमर रहा हूं एक कम्युनिस्ट पार्टी का, उसमें आंतरिक लोकतंत्र कैसे चलता है मैं अच्छी तरह से मुझे पता है, और आजकल मैं सोशल साइंस करता हूं। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी पार्टी में अगर दो तरह की लाइनों में, दो कार्य दिशाओं में संघर्ष चल रहा है और दोनों के अपने अपने प्रवक्ता हैं, तो उसमें एक प्रवक्ता एक पक्ष को मासूम मानने लगे, हम मानने लगे हैं कि ये बहुत ही ऊंचे धरातल पर खड़ा हुआ है, ऊंचे मुकाम पर खड़ा हुआ है, और दूसरे को हम ये मानने लगे हैं कि ये वन मैन शो चला रहा है, ये कर रहा है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप दरअसल उस पार्टी में जो दो कार्य दिशाओं का संघर्ष चल रहा है उसकी आप सही व्याख्या कर पाना। राणा ने एक बात कही शुरू में कि जितने लोग छोड़ के गए उन्होंने एक ही आरोप लगाया, पर्सनालिटी कल्ट वाला। नहीं तो आप जो लोग छोड़ के गए उसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आप तो हम तो उनकी बात को फेस वैल्यू यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बिल्कुल सही बात है, ये मेरी जाती राय हो सकती है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए मैं समझता हूं कि उनको लोकतंत्र के प्रति और राष्ट्रीय मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी तो अभी पार्टी बनी ही नहीं है, वो पार्टी मेकिंग है, पार्टी बनने की प्रक्रिया में है। ये एक खास तरह का राजनीतिक इतिहास है। आपको लगता है ये क्या पार्टी बने ही वो चुनाव जीत गई है? बड़ा क्या है, सवाल बड़ा है या चिट्ठी का लीक होना बड़ा है? पूरे देखिए, चिट्ठी का लीक होना, स्टिंग ऑपरेशन होना, आजकल मीडिया का साइज बहुत बढ़ चुका है। हर एक आदमी के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो सवाल योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने उठाया वो ऐसे क्या सवाल थे कि जिसको लेकर एक तरह से इतना टकराव हो जाता है, उस सवालों में ऐसा क्या था? मेरा क्या कहना ऐसे सवाल थे, कोई भी सवाल हो उन सवालों का सामना ये संजय सिंह या कोई नहीं कर सकता? मेरा कहना है कि कोई भी सवाल हो, सवाल उठाने वाले को और जिसके लिए सवाल उठाया जा रहा है दोनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थिति ऐसी ना बने इससे पार्टी की एकता को खतरा हो। योगेंद्र और प्रशांत भूषण को भी ये ध्यान रखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की तरफ के लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। एक नई पार्टी है, अगर उसकी पार्टी की एकता को खतरा पैदा होता है तो ये अनुचित बात है।
अगर सवाल इस तरह उठाया जा रहा है कि उससे अनुशासन की कार्रवाई होने का अंदेशा हो, तो सवाल उठाने वाले को सोचना चाहिए कि हमने सवाल जिस तरीके से उठाया वो तरीका ठीक नहीं था। और एक संजय मैं कह रहा हूं, संजय जी ने जो कहा वो अच्छा कहा कि इससे पार्टी का मजाक बनता है, मजाक नहीं बनना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि मजाक चिट्ठियों के लीक होने से भी बनता है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें जब आप अपने वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हैं तो वो भी मजाक का विषय बनता है। आशीष खेतान ने लिखा है कि ये पिता पुत्र और पुत्री की पार्टी है। आज आशुतोष कह रहे हैं कि इस पर मैं संजय जी की राय लूंगा, पर आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने भी कोई चिट्ठी लिखी थी जिस पर हम चर्चा करने से रह गए? नहीं, मैंने लिखी थी उस वक्त जो, और मुझे लगता है कि मैं उससे स्टैंड करता हूं, लेकिन मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं कभी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा, और मैं बोला भी नहीं। आज पहली बार मैं आम आदमी पार्टी के डिस्कशन में चैनल पे आया हूँ। अच्छा, ये आपकी ये बात हो गई कि भाई हम अपना एक पीपल्स पार्टी, बीजेपी में रहते हुए भी इसीलिए आम आदमी पार्टी की बहस में आती है, क्योंकि वो एक्स जानकार हैं। हाँ, लेकिन मैं तो कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं करी है। हाँ, तो मेरा समझ ये है, देखिए मैं समझता हूँ, एक बात तो ये कि जो संजय भाई कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, इनफाइटिंग हो रही है ना, इससे एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज के अंदर। आज मैं देख रहा था एक जगह कि जब आम आदमी पार्टी की ये इनफाइटिंग टेलीकास्ट हो रही थी, तो वहाँ पे जो 40-50 लोग बैठे थे, किस तरीके से वो क्यूरियसली उसको देख रहे थे टेलीविजन को, है? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं भ्रम। आपको क्या लगता है कि अंदर सचमुच वैसा मैकेनिज्म, वो जो योगेंद्र और प्रशांत के जो सवाल है, ठीक है, अगर आप सीधा आलोचना नहीं, अपने वचन से प्रतिबद्ध हैं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ऐसे राजनीति में ऐसे भी लोग होने चाहिए, एक बार कह दिया तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन बातों में दम है कि नहीं? नहीं, देखिए अभी अगर योगेंद्र भाई की हम बात करें, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उस पार्टी में आने से पहले भी उनके साथ मेरा संपर्क था, तो जिस वक्त हम कुछ कहना चाहते थे पार्टी में, तो उस वक्त वो भी नहीं बोलने देते थे, क्योंकि वो उस ग्रुप में थे कि बोलने नहीं देना किसी को, योगी जी नहीं बोलने देते, हाँ वो नहीं बोलने देते थे किसी को। अच्छा, तो ये सारा एक एटीट्यूड तो था ही ना। अब वो खुद फंस गए, तो अब उसका अब वो फिर एलिगेशन लगा रहे हैं वही। तो ये अजीब सी मतलब लगता है कि ये क्यों ऐसा होता है। तो अब जहां तक प्रशांत भूषण जी की बात है, वो हमेशा रूल रेगुलेशन बनाते रहते हैं, वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में मैंने देखा नहीं उनको कहीं भी इन्वॉल्व होते हुए। अब जो हमारे एडमायरल साहब हैं रामदास जी, वो तो मुझे लगता है कि अपने ये जो प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी के ही व्यक्ति हैं, वही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो शायद वो इस टाइम मुझे लग रहा है ऐसा कि क्योंकि वो लॉयलिटी अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रामदास ने इनके पास लोकपाल के इतने मामले, उन पे कोई फैसला नहीं किया, और इन सब लोगों ने कभी भी उस वक्त ये रेज नहीं किया जब मैंने छोड़ा। तो क्या कभी किसी ने ये रेज किया कि भाई ये इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? मुझे उल्टा योगेंद्र, जब मैंने जिस दिन केजरीवाल साहब ने रिजाइन दिया, उस दिन मेरा एक लेख छपा, एक वो मेरी न्यूज छपी थी टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में कि भाई इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए। शाम को योगेंद्र जी मुझको फोन करके बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी खबरें नहीं देनी चाहिए। ये इसका मतलब आपकी बात से कि बहुत दिनों तक योगेंद्र और अरविंद में अच्छी बनती होगी, है ना? हाँ, बहुत वो चलती थी उनकी, वो हमेशा से नहीं है ना? योगेंद्र जो इसका मतलब ये भी है कि दोनों उन फैसलों में जो जिसको आप काली रात के फैसले कह रहे हैं, लेकिन अभी एक बात ये है जो सिचुएशन, देखिए अभी खतरनाक हो गई, अभी जो केजरीवाल और अगर योगेंद्र में बात नहीं हो पाती है, मेरे ख्याल में आज जो केजरीवाल जब बोले हैं, अगर वो कल या परसों में इस बात को, तो मेरे ख्याल में उन्होंने क्या बोला, कई लोगों ने उस पर सवाल किया है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ लेकिन सारी चीजें हो रही हैं, तो पार्टी के प्रमुख तो वही है ना, दो दिन कुछ नहीं बोले और बाकी लोग बोलते रहे, उससे मेरे ख्याल में बात बिगड़ी है। एक फोन उठाकर अगर सीधे बात करते योगेंद्र यादव से, या योगेंद्र यादव उनसे बात कर लेते, मेरे ख्याल में इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। बात अगर आप नहीं बोलते, इससे लोगों को देखने का एक मौका मिला ना कि जो नई पार्टी है, लोकतांत्रिक क्या सिस्टम है,